Hello everyone, welcome back to my channel which says get quirky with me. So it's 8 o'clock in the morning और मैं जा रही हूँ उमंग के लिए सूखे काले चने बनाने. काले चने तो नहीं हो पाएंगे लेकिन हाँ टेस्ट पूरा काले चने का मैं उसमें डाल सकती हूँ आराम से. तो मैं बनाऊँ क्या? मैं बना रही हूँ ना कि आपको बनाना है. मेरी इच्छा जैसे तुम बोलो, तुमको रिक्वेस्ट करना तो मैं बना देता हूँ. नहीं नहीं मैं बना रही हूँ ना. तो बेसिकली पहले मैं 9 दिन का फास्ट रखती थी नवरात्रि में. तो ये मेरी पीजी की सारी दीदियाँ, तो क्या होता था कि 9 दिन का फास्ट रखने के साथ और मेरे साथ जो दीदियाँ रहती थी, फिर हम लोग एंड में कंजक कैसे खिलाते थे, मतलब जो कन्याएं हम खिलाते थे वो हम, किसी ने चने बना लिए, किसी ने पूड़ी बना ली. मैं अपर्णा दी, नुपुर दी, बेसिकली हम ही तीनों का मेनली रहता था साथ में और हलवा एंड ऑल. तो एंड एंड में मतलब हम लोग चने ये बनाते थे जो आज मैं उमंग को बना के खिलाने वाली हूँ, और उसको पैक करके 9 पार्सल में डिवाइड करते थे. और उसके बाद जाके वो कन्याएं जो होती हैं, जो सड़क पे बेचारी मांगती हैं या फिर गरीब होती हैं, तो उनको देते हैं. कई बार नहीं भी मिलती थी तो हम लोगों को मॉल जाके अच्छे खासे लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि हमको दक्षिणा देनी है और ये मतलब कंजक का भोजन देना है बच्चियों को. तो पेरेंट्स अलाउ करते थे तो हम लोग देते थे. तो उमंग को आज मैं वही टेस्ट दोबारा याद दिलाने वाली हूँ. याद क्या दिलाने, उमंग तो फर्स्ट टाइम खाएंगे. क्या बात कर रही हो, मेरे हाथ का चना खा चुके हो? तुमसे अच्छा मैं बना दूँ? अरे यार मैं अपने हाथ का कह रही हूँ. तो यस हम मैं चलती हूँ. अरे हाथों की जो मैल होगी शे यार वही मिलेगी उसमें. ये भाई बोलते हैं जब उमंग मेरे लिए मैं हाथ नहीं लगाती हूँ खाने में, मेरे को प्लीज डोंट जज, मेरे को थोड़ा सा ऐसा होता है कि स्पून से ही खाऊं, हाथ लगता है तो मेरे को सारा ध्यान उस पर चला जाता है कि हाथ पे लगा हाथ पे लगा. तो कई बार बट मुझे प्रॉपर ऐसे मिक्स्ड चाहिए रहता है दाल राइस. तो उमंग करते तो भाई मुझे चढ़ाते हैं कि उमंग के हाथ की मैल शुभांगी को बहुत पसंद है. ये हमारे अनु भैया फटाफट सुबह सुबह मेरे लिए चाय लेकर आ गए थे. फटाफट दोनों बनाएंगे चने मस्त टेस्टी टेस्टी. सबसे पहले चने बेटा वो गैस पे चढ़ा दो कुकर पे, ठीक है? एक बार धुल लो पहले ये पानी. ये रात में हमने कम से कम 8 घंटे ये चने भिगोए हुए थे और अब इसको कुकर पे चढ़ा देंगे 4 से 5 सीटी के लिए. तो सबसे पहले हम डाल देंगे सरसों का तेल इसमें. मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें सरसों का तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया है. ऐसा आप बिल्कुल मत करना अपने लाइफ में. तो अनु भैया मेरी गलती को सुधारते हुए, देख रहे हैं आप लोग कितना तेल डाल लिया था मैंने. इतने में इंसान को चक्कर आ जाए. बस हो गया बेटा, बस हो गया. हाँ कढ़ाई हमको खाली नहीं करनी है, हमें थोड़ा तेल चाहिए. तो अब मैं डालूंगी इसमें मिर्च, अदरक और करी पत्ता. मैं डाल दे रही हूँ सारा मिर्च. ये मैंने 2 मिर्च लिए थे. ये मैंने डाल दिया करी पत्ता और ये अदरक ज़्यादा घिस गई है, अंदाज़ हमारा ठीक नहीं था. तो अदरक कितनी, ये डाल दिया हमने जीरा, चॉप अनियंस. अनियंस को हम कहते हैं प्याज अनियन. और फिर इसको फ्राई होने देंगे तब तक कि जब तक ये अपनी जान दे के लाल ना हो जाए. गुस्से में लाल ना. हाँ गुस्से में लाल ना हो जाए. हमारे संवाददाता अनु भैया काफी अच्छी बातें करते हुए प्याज के बारे में. प्याज इससे जल्दी गुस्से में आएगा और लाल हो जाएगा. रोना हमको पड़ेगा. साथ ही साथ हम डाल देंगे हींग. इतना सारा नहीं, नहीं आपका पेट एक बार में ठीक हो जाएगा. बस थोड़ा सा. तो ये टमाटर एक ही पीसा हमने इतने बड़े जार में. जार हंस रहा है हमारे ऊपर काफी. और भैया ने दिमाग लगाया कि इसमें चने डाल के पीस देंगे तो और अच्छे से टमाटर पिस जाएगा. डाल दो भैया. जय माता दी, पीस लो. और इधर ये हो रहा है कैरमलाइज्ड, और जो कि हो गया. अनु भैया जल्दी से चाहिए होगा. तो अब हम डाल देंगे टमाटो और चने की प्यूरी को.
कढ़ाई में और उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे। तो ये हल्दी डाल दी हमने, लाल मिर्च डाल दी हमने, और ये बहुत सारी हम डालेंगे धनिया मिर्च, अरे पिसी धनिया, धनिया मिर्च कुछ नहीं होता है, मेरी बात बिल्कुल मत सुनिएगा आप लोग। और हम डाल देंगे भुना जीरा, मसालों को पकने देंगे अच्छे से। तो अगर ये ज्यादा नीचे पकड़ रहा है तो उसमें हल्का सा पानी अच्छे हम मिला देंगे। इतनी आवाज करिए कि जो खाने नहीं भी आ रहे हैं वो भी आ जाए, इतनी आवाज करके आपको खाना बनाना। उसके बाद जब ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि साइड साइड से ऑयल छोड़ रहा है, मींस आपका मसाले भी भुन गए हैं अच्छे से, तो अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। ये मैंने डाल दिए हैं चने, अब हम इसको स्टिर करते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार, कभी कभी हम डाल देते हैं स्वादा से ज़्यादा, तो वो स्वादा से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना है हमको। उसके बाद एक बार फिर स्टिर करेंगे, थोड़ा सा वाटर और ऐड करेंगे और इसको उसके बाद इस पर लिड लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फाइनली इस चने में हम स्क्वीज़ करेंगे नींबू खट्टा अनुसार। अब इसको पकने देंगे थोड़ी देर, बेटा ओपन रखना इसको, ओपन रख के पक जाए फिर इसको बंद कर देना। जब तक ये 2-3 मिनट और पकेगा ऊपर, अम्मा को थोड़ा परेशान करती हूँ और थोड़ा चिल करती हूँ। उमंग को मैं खिलाने जा रही हूँ वर्ल्ड बेस्ट चने, देखते हैं उमंग का रिएक्शन। उमंग भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, तो उससे पहले मैं एक बार मशीन देख लूँ। ये उमंग की छोटी छोटी खुशियाँ। हाँ, और अब हम कैप्चर करेंगे उमंग का रिएक्शन। ना पापा, ये आलू तक मना कर दिए। नाइस। तो पूरा खाते ही खाते करो क्या? तो ये नया बच्चा। बस। हाँ। तुम्हारी हैंड का है और एकदम समझे ना? चलो मैं आ रही हूँ दीपक उठा के। काटेगा नहीं, वो काटेगा नहीं, मस्ती करते हो, तुमसे भारी है, तुमसे भारी है वो। उसको कोई काट ले वो किसी को नहीं काट सकता। कौन है पीता? जानते हो? हाँ, ये तो पहचान रहे। वाह, अरे वाह, अरे चलो अब इसको मतलब फैमिली फैमिली जैसा लगेगा। तो ये जो छोटा बच्चा आया है हमारे यहाँ, ये अनु भैया का कोई रिलेटिव निकला। ये रिलेटिव है या नेबर? घर के बगल रहते हैं कि कोई रिश्तेदार में आते हैं? जान पहचान, नेबर्स हैं, जैसे पड़ोसी टाइप। इससे मैं क्या समझूं? हाँ, मैंने नहीं खाया ये, मैंने बड़े बड़े पापड़ खाए। फिर उसमें से 2 बज गए थे, वो पापा ने खाए। अब मेरा खुलासा हुआ, मैं सबका खुलासा कर दूंगी। तो पापा गए हैं दोनों नए लड़कों के साथ बाबा को घुमाने, उनको दिखाने कि बाबा को कैसे घुमाना उमाना है। और उमंग सामने आ गए हैं पार्क में घूमने। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है तैयारी की। हाँ, दर्शन कर लिए, चलते हैं घर। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही मुझे याद आया कि मुझे शूट कर लेना चाहिए। और क्या शूट कर लेना चाहिए? कि हम लोग जा रहे हैं अनु भैया के लिए कफ सिरप लेने, और अपने लिए एक ऐसा इंतज़ाम करने हैं जिससे कफ सिरप की ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि हम लेंगे कुल्फ़ी, यहाँ की फेमस विशाल, विशाल मेगा मार्ट से नहीं, विशाल, विशाल आगे क्या है? विशाल कुल्फी सेंटर।
विशाल कुल्फी सेंटर जो यहाँ पे बहुत फेमस है, इनकी कुल्फी को नथिंग कैन बीट। मंग जा रहे हैं लेने, वो पीछे है विशाल कुल्फी सेंटर जो कि बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है और हम उसको एंजॉय करेंगे। और ज्यादातर मैं रबड़ी कुल्फी खाती हूँ यहाँ की, और सारी वेराइटीज भी होती हैं, चॉकलेट पान दिस एंड दैट, सो मेनी वेराइटीज लाइक सो मेनी फ्लेवर्स। आ गई हमारी ठंडा ठरम आइसक्रीम और हम लेके जा रहे हैं घर इसको, और इसमें बहुत सारा आइस भर के ये देते हैं ताकि जब तक आप इसको घर लेके जाएं तो आइसक्रीम मेल्ट नहीं होनी चाहिए। और मैंने इसको रख लिया अपने पैरों पे, थोड़ी देर बाद मेरे दोनों पैर फ्रीज हो जाएंगे क्योंकि मैं फोल्डेड लेग्स बैठी हुई हूँ और ये बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा है। तो यस, हमारा तो नियर बाय है, हमको इतना रिक्वायरमेंट नहीं था आइस का, पर ठीक है जिनको दूर लेके जाना होता है उनके लिए इट्स बेस्ट। अच्छा पॉलिसी है इनका ये इस तरह से देने का, सिस्टम है। लाइट जलाओ ना ब्लॉगर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनके लिए कफ सिरप ले आ, ग्रिलेंटस ले आना। क्या मैंने थोड़ा आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? आपने पूछा? नहीं पूछा मैंने, ऑफ कैमरा पूछा था, ऑन नहीं किया था तब तक कैमरा मैंने। तभी जवाब दे रही हूँ, पागल हूँ। चाहिए कफ सिरप लेकर आइए, ग्रिलेंटस लेकर आइए। तो पूछा भी नहीं, कृपया करके आप। मैं पागल हूँ। पूछ रही है? मैं पागल हूँ। पूछ रही है? बता रही हो? पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, तुम बता रही हो। कॉमेडी। इसको पागल बोलो। कॉमेडी। ये कौन सी लिया है? लेकिन चलो ठीक है, ये भी ठीक है। क्या कहना चाहते हो मुझको? क्या कहना चाहता हूँ मैं तुमको? की कहती? क्या कहता? कहंदी उड़ी सी, चल कपड़ा फैला दे, तारे ने पसंद मैनू, चल सूरज ना उगा दे, चल मोहल्ले में तुझे कॉले चलूंगी, तब सब मारेंगे तुझे तो तुझे पता लगूंगा। Guys, I am the lyricist and composer of the song. अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस पे रील्स बनाना तुरंत का तुरंत शुरू कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो ये हम खा रहे हैं विशाल कुल्फी सेंटर की कुल्फी। थोड़ा सा मैं इसको गिरा दूंगी क्योंकि अनु भैया नजर लगा सकते हो, खा नहीं सकते। और अपनी कफ सिरप गिरा देंगे क्योंकि इसके बाद उसकी जरूरत हम लोग को लगेगी। तो वी ऑल विल बी सेफ। सो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी एज मच एज यू कैन बाय शेयरिंग माय वीडियो एंड लाइक व्हाइल वॉचिंग माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड देन वॉच माय वीडियो। टिल देन गुड नाइट, बाय।